दिखाएगी वही होगा जो सही। आप देख रहे हैं यूपी बुलेटिन लाइव, जो आपको रखे सबसे आगे सच के साथ। यूपी बुलेटिन लाइव मीरापुर से सचिन धीमा, सत्येंद्र कुमार की रिपोर्ट। मीरापुर बाईपास पर मुक्तिधाम श्री बालाजी मंदिर न्यास पर महाराज श्री योगराज गिरी की 9वीं पुण्यतिथि पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उनके शिष्यों सचिन सिंह एवं अन्य शिष्यों द्वारा यज्ञ हवन कर सुंदरकांड का आयोजन कराया गया। इसके बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि मीरापुर विधायक चंदन सिंह चौहान ने कहा कि पूज्य गुरुदेव की 9वीं पुण्यतिथि पर बहुत विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि सभी क्षेत्रवासियों को अपने संत महात्मा गुरुजनों की बात मानकर उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए और अपने गुरुजनों के लिए ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए। इससे गरीबों को भी भोजन प्रसाद करने का अवसर मिल जाता है। भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं द्वारा की संख्या में प्रसाद ग्रहण किया गया। इस मौके पर सौरभ, सोनू धीमान, राजेंद्र कुमार आदि सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद थे। नाम के साथ बताएं, क्या कार्यक्रम है आज आपका? मेरा नाम सचिन सिंह है और हमारे गुरुजी का नाम श्री योगराज गिरी, जिनका 9 फरवरी सन 2014 में शरीर पूरा हो गया था। उनकी 9वीं पुण्यतिथि थी, जो प्रत्येक वर्ष की बात थी। इस वर्ष भी बड़ा अच्छा उनका भंडारा और यज्ञ हवन और कल शाम उनका सुंदरकांड का आयोजन किया गया, जो पूरी तरीके से पूर्ण हुआ। और साथ में साधुओं का सेवा पानी और ये तुम्हारे लोकल आमजन की सेवा अच्छी हुई है। क्या ये हर वर्ष होता है? ये पिछले कई 22 वर्षों से हो रहा है। मैं 22 वर्षों से गुरुजी के साथ हूँ और पिछले 22 वर्षों से हर वर्ष होता है। लेकिन पहले ये सिर्फ रुद्राभिषेक आयोजन होता था, लेकिन उनका शरीर पूरा होने की वजह से हमने इसको उनकी पुण्यतिथि पे ही शुरुआत करा दी। अब इसमें पहले रुद्राभिषेक का आयोजन होता था, अब होता है हनुमान सुंदरकांड। मीरापुर में मुक्तिधाम पर पहुँचे हैं, तो इसके पहुँचने का लक्ष्य और आपको कैसा लगा और क्या कार्यक्रम है उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। देखिए, महंत योगराज गिरी जी की 9वीं पुण्यतिथि का आयोजन आज यहाँ किया गया। बड़ी तादाद में उनके सभी अनुयायी उपस्थित रहे और एक सिद्ध पीठ हमारे यहाँ जो है, यहाँ बैठ के उन्हें आज हमने सबने मिलकर याद किया। एक बड़े भंडारे का आयोजन हुआ। मैं धन्यवाद करता हूँ सिद्ध पीठ के सभी अनुयायियों का कि उन्होंने इतना अच्छा एक आयोजन, जो सबने मिल यहाँ बैठ के इकट्ठे होकर आम गरीब व्यक्तियों को उनके भूख के हिसाब से भंडारे का वितरण किया, एक बड़ा परोपकार का काम है। इस तरह के परोपकार आजीवन स्वर्गीय महन जी ने हमारे उन्होंने जीवन भर सिखाया अपने, और उसी कदमों पर चलते हुए सभी उनके न्याय चल रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ उस बात के लिए और मैं आशा करता हूँ कि सभी जो अपने बड़े योग गुरु हैं, इन गुरुओं की बात मानते हुए उनके दिखाए रास्तों पर चलेंगे, तो निश्चित रूप से समाज में खुशहाली लाने का।